नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव। महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज सदरपुर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और सनातन धर्म के विरुद्ध वहां पर जहर उगला जा रहा है। इसी के संदर्भ में राष्ट्र रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने सब कुछ बताया और कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। SDM के माध्यम से यह ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा। मैं स्वामी ओम प्रकाश, पूर्व वाइस सेना अधिकारी, प्रदेश संयोजक मिशन योगी अगेन CM उत्तर प्रदेश 2022, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र रक्षा मंच, आज अयोध्या के कुछ प्रमुख संतों के साथ में, अपनी टीम के सभी पदाधिकारियों के साथ में, उप जिलाधिकारी महोदय टांडा के माध्यम से पूजनीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को हमें ज्ञापन प्रेषित किए हैं। अम्बेडकर नगर की एक ज्वलंत समस्या है। इस टांडा तहसील के अंतर्गत महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर है, जहां देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं। वहाँ के कुछ छात्र जो नेशनल और इंटरनेशनल बौद्धिक संस्था से जुड़ करके हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं के विरोध में वहाँ जातिवाद और काविश घोल रहे हैं। ये सब जानकारियाँ मिलने के बाद हमने जब पता किया तो स्थानीय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कौशिक जी ने इन सब गतिविधियों की जब रोक के लिए दबाव डाला तो कॉलेज के छात्र उद्वेलित होकर के उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। मेडिकल कॉलेज की गतिविधियों के बारे में अम्बेडकर नगर के सैकड़ों प्रधानों और जनप्रतिनिधियों ने उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि कॉलेज के प्रिंसिपल जो जब से आए हैं तब से मेडिकल कॉलेज में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं। 30% कर्मचारी जो मेडिकल कॉलेज में काम पर नहीं आते थे, उनके प्रभाव से सभी कर्मचारी वो वहाँ काम करने लगे हैं। कुछ डॉक्टर और कर्मचारी जो काम करना नहीं चाहते हैं, अराजक तत्वों से मिल करके उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और सबसे जो अहम बात है, कॉलेज के छात्र जो JNU जैसी स्थितियां बना रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, उकसावे की में आकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक है। हम SDM टांडा के माध्यम से पूजनीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से पूजनीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने आए हैं कि महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर में जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उसको तुमको तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। इन सब गतिविधियों को शह देने में, भ्रष्टाचार को शह देने में, अराजक तत्वों को उकसाने में DM अम्बेडकर नगर की भूमिका है। DM अम्बेडकर नगर की भूमिका की एक जाँच कराई जाए और अगर ये दोषी पाए जाए तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किया जाए और कॉलेज के प्रिंसिपल का संरक्षण किया जाए।